हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन स्टोरी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पफ की हेल्प से कैसे इजीली फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये इस तरीके से पफ आपको मिलता है, बट आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज, इसे एज इट इज यूज नहीं करते हैं, इसको आपको सबसे पहले ही पानी में भिगो के रखना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे पानी में भिगो के रखना है और किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको इसको यूज करने के लिए एक भिगोने में या किसी एक गोल बर्तन में पानी को इस तरीके से डाल देना है। आप एक गिलास दो गिलास के अराउंड पानी डाल दीजिए और देन उसको ये ब्लेंडर इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए एंड इस ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में इसे आप एब्जॉर्ब करा लीजिए, जैसे पानी प्रॉपरली इसके अंदर एब्जॉर्ब करा लीजिए। आप देखेंगे कि ये साइज में भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। आप देखिए, इस तरीके से आप 5 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से इसमें छोड़ दीजिए। अब 5 मिनट के बाद देखिए ये पानी से फुल हो चुका है, एकदम फिल हो चुका है। अब आप इसको स्क्वीज कर लीजिए इस तरीके से प्रॉपरली पानी को स्क्वीज कर लीजिए ताकि इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी ना बचे और ये फ्लफी हो जाएगा। सी, इसका साइज़ भी बढ़ गया है और ये फ्लफी हो गया है। नाउ ये रेडी है आपके यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ही इसका साइज़ भी अब आप देखेंगे जो मैंने पहले दिखाया है उसके कंपेरेटिवली बड़ा हो गया है, बट अब इसके अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी पानी, क्योंकि हमने प्रॉपरली स्क्वीज़ कर लिया है और अब ये रेडी है। आप कोई भी फाउंडेशन अपने फेस पे लगाएंगे तो आप इजीली उसको एब्जॉर्ब करा पाएंगे और इसका यूज़ अगर आप करते हैं तो फाउंडेशन केकी नहीं लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।